दोस्तों, इस महीने की बीएसएनएल की लेटेस्ट टिपिंग सेटिंग आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपके भी बीएसएनएल के सिम कार्ड में इंटरनेट की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो आज का वीडियो देखने के बाद आप अपने इंटरनेट की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर लेंगे। एंड दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स में चले जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद वहां पर आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का जो ऑप्शन मिलेगा वहां पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से आपको अपना सिम कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद से आपको एक्सेस पॉइंट नेम का एक ऑप्शन मिलेगा, तो वहां पर आपको क्लिक करना है। वहां पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखेंगे जो भी आपने एपीएन सेट किया हुआ यहां पर आपको दिखाई देंगे। सो आपको वहां पर प्लस वाले बटन पर क्लिक करना है एक न्यू एपीएन को क्रिएट करने के लिए। दोस्तों, यहाँ से वीडियो को एकदम ध्यान से देखना है, ज़रा सा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप थोड़ी सी भी मिस्टेक कर देते हैं तो आपका इंटरनेट स्पीड इंक्रीज नहीं हो पाएगा। सो सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑप्शन में लिखना है, नेम वाले ऑप्शन में लिखना है बीएसएनएल। देन आपको स्पेस लगाना है। स्पेस लगाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है स्पीड डॉट, यहाँ पर आपको लिखना है यूनियन। उसके बाद से नीचे आएंगे जो एपीएन वाला ऑप्शन मिलता है यहाँ पर आपको लिखना है यूनियन। एट द रेट यहाँ पर आपको लिखना है X90। उसके बाद से प्रॉक्सी को नॉट से छोड़ देना है। पोर्ट में आपको लिखना है 8080। देन आपको यूजर नेम का एक ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है BSNL India। देन BSNL India ही लिखना है। देन पासवर्ड में नॉट सेट, सर्वर में आपको टाइप करना है www.bsnl.in। उसके बाद से MMSC को नॉट सेट, MMS प्रॉक्सी को भी नॉट सेट, MMS पोर्ट को भी नॉट सेट। MCC और MNC आपके फ़ोन में ऑलरेडी सेट होंगे तो वही रहने दें। ऑथेंटिकेशन टाइप में यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है PAP और CHAP। देन उसके बाद से आपको APN टाइप का एक ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है डिफॉल्ट। देन आपको कॉमा लगाना है, उसके बाद से लिखना है XCAP। उसके बाद से आपको नेट लिख लेना है। उसके बाद से APN प्रोटोकॉल वाले ऑप्शन में आपको IPv4/IPv6 को सिलेक्ट करना है। APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी आपको IPv4/IPv6 को सिलेक्ट करना है। उसके बाद से आपके पास एक बीरर का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर अगर आपका नोड स्पेसिफाइड है तो इसको हटाकर LTE एंड HS के जितने भी बीरर दिए होंगे सभी आपको HS वाली बीरर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद से नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक GPRS का बीरर मिलेगा, आपको उसको ढूंढ लेना है एंड उसको भी सिलेक्ट कर लेना है। तो उससे बैक आएंगे, बैक आने के बाद MVNO टाइप को नन पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद से इस APN को यहाँ से सेव कर लेना है। APN सेव करने का देखेंगे कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, तो यहाँ पर एक बार आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे आपके फ़ोन में ये वाला APN सेटिंग एक्टिवेट हो जाएगा। दोस्तों, APN एक्टिवेट होने के बाद आपके फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।